हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे शादी से पहले अपने पार्टनर में क्या क्वालिटी देखें। देखिए, शादी ना जीवन का एक अहम फैसला होता है, चाहे वो लव मैरिज होती है या फिर वो अरेंज मैरिज होती है, लेकिन हमें सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अनजाने में कोई भी गलत कदम उठाया तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये फैसला ना सोच समझकर और ध्यान से लेना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको शादी से पहले अपने पार्टनर में देखनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर वो शादी करने जा रहे हैं या शादी करने ही वाले हैं, उनका रिश्ता पक्का हो गया है, तो अपने पार्टनर में ये क्वालिटी देखें कि उनका अनजान व्यक्ति के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ बिहेव कैसा है। देखिए, आज के टाइम में ना सब लोग ना अपने चेहरे पर ना पता नहीं कितने मुखौटे रखते हैं कि वो आपके साथ भी प्यार से बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सबसे प्यार से बात करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और शादी होने के बाद जब आप उनका बिहेव जानेंगे ना, तो पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है, रिश्ता ही बिखर जाता है, और बाद में हम फिर पछताते हैं, तो पहले ही क्यों ना जाने। तो अगर आपको किसी को देखना है ना, तो अननोन पर्सन के साथ देखिए कि आपका जो होने वाला पार्टनर है, आप उनको अननोन पर्सन के साथ देखिए कि वो कैसा बिहेव करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ जब वो बात करते हैं, कितनी तहजीब से बोलते हैं या फिर ऐसे ही जवाब देते हैं, आपको ये देखना है कि ये क्वालिटी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो वो सभी से अच्छे से बात करेगा, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है, उसने एक अच्छाई का मुखौटा पहना है, तो वो किसी अननोन पर्सन के साथ ना मिसबिहेव करेगा। तो आपको ये देखना है कि उसका बिहेव कैसा है। देखिए, लाइफ में बाद में पछताने से अच्छा है कि हम अभी देखें, और ये लाइफ जो मैरिड लाइफ है, शुरू होने से पहले ही हम उसको ख़त्म करें, ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए अपने पार्टनर में ये क्वालिटी ज़रूर देखिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात, आपको अपने पार्टनर में ये देखना है कि वो झूठ तो नहीं बोलता। देखिए, ये झूठ जो होता है ना, ये ऐसा होता है कि आप एक बार बोलना स्टार्ट कर दें, फिर आपके लाइफ टाइम तक ये आदत नहीं जाती। आप एक हर बात में एक के बाद एक झूठ बोलते ही रहेंगे, आप कुछ भी बताएंगे ना उसमें भी झूठ ही रहेगा, और बाद में आप कितना भी समझा लें, कितना भी उनको समझाएं, मना करें, लेकिन ये आदत नहीं जाती है। इसलिए एक अच्छा आदमी ना कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी इधर उधर नहीं बातों को घुमाएगा, और फिर बाद में कई सारे इस बारे में मेरे पास जो कमेंट आते हैं ना, इसी बात को लेकर आते हैं कि हम बोलते हैं कि आप गलत हो, आपने ये किया है, तो वो बड़ी सफाई से मना कर दे कि हमने ये नहीं किया, और वो हमें बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है कि अब किया है तो अब आगे से नहीं करूँगा, और फिर भी करते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है झूठ बोलने की। तो क्यों ना ये पहले ही देख लिया जाए, पहले ही अपने पार्टनर को इन चीज़ों में परख लिया जाए कि वो झूठ तो नहीं बोलता है। ये ऐसा अवगुण होता है दोस्तों, अगर एक बार आ जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ता है, क्योंकि हम बातों को ना बड़ी सफाई से घुमाने लगते हैं, और ये सफाई करते करते हमारा पूरा जीवन ही निकल जाता है, लेकिन हम इस पचड़े से नहीं निकल पाते। इसलिए आप देखें कि आपका पार्टनर झूठ तो नहीं बोलता है। अब आते हैं तीसरी बात पर, जो कि ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं ये तो गलत है। वो ये है कि चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, अगर आप अपनी शादी करने जा रहे हैं, आपका होने वाले पार्टनर में आपको ये बातें ज़रूर चेक करनी है कि उनका सोशल अकाउंट चेक करना है, वो किस तरह की पोस्ट को शेयर करते हैं, किस तरह के लोगों को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, उससे हमें उनकी नीयत का पता चलता है, उनकी आदत का पता चलता है कि वो कैसे हैं, किन लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, किन लोगों से बातें करना पसंद करते हैं, किस तरह की बातें करना पसंद करते हैं, इससे हमें उनकी मेंटेलिटी का पता चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर का सोशल अकाउंट ज़रूर चेक करिए, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी है, और शादी आप अरेंज कर रहे हैं या लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर की पसंद कैसी है, किन लोगों को पसंद करता है, किन बातों को पसंद करता है, ये बहुत ज़रूरी है। और आगे चलकर इन फ्यूचर में अगर आप इस तरह की बातें देखेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि एक अच्छा आदमी ना अच्छे ही लोगों को फॉलो करता है, अच्छे ही बातों को देखना सुनना चाहता है, उन्हीं को पोस्ट करना चाहता है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर, और जो कि लास्ट भी है। देखिए, आपको ना अपने पार्टनर में ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी ही अपनी चलाता है,
या फिर वो अपनी ही अपनी चलाती है, आपको ये भी देखना है, क्योंकि शादी होने के बाद भी वो अपनी ही चलाएगा या अपनी ही चलाएगा, आपको वैल्यू नहीं देगा। जिन लोगों के आदत हो जाती है ना कि बस मैं ही सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, जो मैं कहता हूँ यही सही है और दूसरा गलत है, इसको कुछ भी नहीं आता, वो आपको शादी के बाद भी कुछ भी नहीं समझेगा या कुछ भी नहीं समझेगी। तो आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर कहीं सेल्फिश तो नहीं है, कहीं इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो अगर आप खाने के ऑर्डर भी देती है तो वो आपको ये बोलता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, चलो मैं अपनी पसंद से मंगाता हूँ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा ऑर्डर करता हूँ या फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छा ऑर्डर करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए इन क्वालिटी को अगर आप देखेंगे ना, इससे हम एक आदमी को अच्छे से जज कर सकते हैं, हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि इसका नेचर कैसा है। और देखिए एक रिश्ते को निभाने में ना हमारी आदतें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, हम कैसे हैं, बहुत मैटर करती है। और रिश्ता ना ख़राब हो, जैसे आप देख रहे हैं आपके आसपास भी, या हो सकता है कि आपके रिलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। शादी के कुछ टाइम तो अच्छा चलता है, बहुत मज़े से निकल जाता है कुछ दिन तो, लेकिन कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद या हो सकता है कुछ सालों के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है रिश्ते में कि अलग होना पड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आए? नहीं चाहते ना, कोई भी नहीं चाहता है कि उसके रिश्ते में इस तरह की सिचुएशन आए। तो प्लीज़ शादी से पहले ये ज़रूर चेक करिए, इन बातों को अगर आप चेक करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने पार्टनर को 100 लोगों में से भी अच्छा पार्टनर ढूंढ लेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको शेयर भी तो करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।